चलिए बच्चों को क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ जल्दी से। इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पे हूँ मैं। पर यूनिट ऑफ एक्स मटेरियल उसमें 50 किलो लगता है, ओके, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 यूनिट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 50 केजी। बात समझे कि जो यूनिट ऑफ एक्स है, पर यूनिट ऑफ एक्स में कितना मटेरियल लगता है, 50 केजी मटेरियल लगता है, जिसका रेट कितना है 40 रुपए के हिसाब से। तो देखो क्यूब और इक्वल टू एक्स कितना हो जाएगा 100 यूनिट और 50 लगता, मतलब टोटल कितना लगेगा 5000 केजी। एक्स क्यूब हो गया 5000 केजी, अपन को निकालना क्या है एक्चुअल क्वांटिटी। सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे यहाँ पे। प्राइस वैरियंस का फॉर्मूला कौन सा होता, एस पी माइनस ए पी इंटू ए क्यूब। सर एस पी कितना दिया है 40 दिया है माइनस है 9800 नेगेटिव में है, 9800 किस में है नेगेटिव में। तो देखो 9800 माइनस 9800 माइनस 2 इंटू ए क्यूब, तो ये जाएगा तो माइनस 9800 माइनस इक्वल्स टू ए क्यू कितना हो जाएगा 4900। ए क्यू कितना हो जाएगा 4900। बस बच्चों सा क्वेश्चन था, लिखेंगे इसको। थोड़ा सा अपन भागेंगे इधर उधर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए पहले। आगे क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है कि मिस्टर मटेरियल 12 रुपये 15 रुपये का, ठीक है। उसके बाद में एक्चुअल प्राइस पर यूनिट दिया है 15 रुपये और 20 रुपये का, ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट दिया हुआ है 50 रुपये, बी का निकालना है। एक यूनिट के लिए 50 किलो लगता है, एक्चुअल इनपुट इसका नहीं पता, उसका पता है 50 का, ठीक है। यूसेज वैलेंस 300 एडवर्स दिया हुआ है, बाकी सबको निकालना है। इंपॉर्टेंट नीचे का दिया है कि मटेरियल मिक्स वैलेंस फॉर बोथ प्रोडक्ट टुगेदर वाज रुपीज 45 एडवर्स। 45 एडवर्स है उस दोनों का क्या मिक्स वैलेंस। जल्दी से सोचिए, पॉज करिए वीडियो को पहले, और आप लोगों को सोच के बताएंगे कि आप लोग कैसे निकालेंगे इसको। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखे, कठिन है, ईजी नहीं है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरू कर रहा हूँ मैं। मटेरियल कौन कौन से, ए और बी। एस क्यू ए के लिए कितना है 50, बी का मेरे को नहीं पता। एस पी कितना हो जाएगा 15 रुपये, ठीक है। और ए क्यू है इसका मेरे को नहीं पता, लेकिन इसका 70 है, और ए पी मेरे को पता है इसका 15 है और इसका 20 है, तो मेरे को ए क्यू इंटू ए आता है। और यहाँ पे देखते हैं आपको कौन सा वैरेंस दिया हुआ है, आपको बी का वैरेंस ही दिया हुआ है, तो जो दिया है कहीं ना कहीं क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। तो मेरे को तो एस क्यू कितना दिया है, ये 300 नेगेटिव में दिया हुआ है, एडवर्स माइनस लिख देता हूँ। एस क्यू मेरे को बी का पता है 70 है इंटू एस पी कितना है, बी का एस पी देखो 300 डिवाइडेड बाय 15 20 आ जाएगा,
-20 -70 = x, मतलब कि मेरा एस क्यू आ गया कितना 50 का आ गया एस क्यू, पक्का ये बात समझी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयर इनपुट फॉर मटेरियल बी इक्वल्स टू, ये बात लोगों को। अब आओ कौन सी इंफॉर्मेशन दी है आपको क्वेश्चन में, तो देखो कि लास्ट लाइन में आपको दिया है मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर बोथ द प्रोडक्ट टुगेदर वाज 45 एडवर्स। ठीक है, तो मेरे को बताओ ये दोनों का रेशियो क्या बनेगा, 1:1। आर एस क्यू के अलावा कोई फॉर्मूला दिया नहीं है मेरे को और कोई डिटेल है नहीं, तो मैं उसी से आगे बढ़ता हूँ, उसी से आगे बढ़ता हूँ। सर कैसे बढ़ूंगा, सर ट्राई तो करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैं कहता हूँ मटेरियल मिक्स ये तो पता है फॉर्मूला क्या है, सर दोनों का कॉलम को एक्चुअल क्वांटिटी होना माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन और एक्चुअल प्रोपोर्शन। एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, यही होता है पक्का। ठीक है सर, सर करना क्या है वो नहीं समझ में आ रहा। सर मेरे को अब लेट मेरे को पहले आर एस क्यू निकालना पड़ेगा दो चीज़ों का, मेरे को क्या निकालना पड़ेगा आर एस क्यू निकालना पड़ेगा। सर आर एस क्यू कैसे निकालोगे, सर एक टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, सर एक्चुअल क्वांटिटी पता है क्या मेरे को, नहीं पता, पता है क्या, नहीं पता। तो पहले लेता हूँ लेट बी वाई फोर टोटल सर वाई प्लस 70 कहाँ से लाया आपने, सर देखो ये एक, ये हो गया क्या मेरा वाई हो गया पक्का, तो ये वाई प्लस 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल क्वांटिटी हो जाएगा, 70 क्या हो जाएगा टोटल क्वांटिटी हो जाएगा पक्का। तो सर वाई प्लस 70 हो गया क्या टोटल क्वांटिटी। सर इसको मेरे को स्टैंडर्ड के रेशियो में डालना है, सर स्टैंडर्ड का रेशियो क्या है 1:1, क्या है 1:1, तो देयरफॉर y plus 70 whole divided by 2 और rsq of 70 divided by y plus plus 35 और ये भी क्या होगा y divided by 2 plus 35 पक्का। तो ये हो गया मेरा ठीक है सर। अब ए के लिए फॉर्मूला डालते हैं, एक पूछ लो आर एस क्यू कितना है इसका, वाई प्लस 70 सॉरी y प्लस 2 प्लस 35 माइनस ए क्यू क्या मानो मैंने a के लिए, a के लिए ए क्यू क्या मानो देखो y मानो हूँ मैंने माइनस y ठीक है इंटू एस पी कितना है मेरा 12 रुपये तो इंटू 12। वैसे b के लिए y प्लस 2 प्लस 35 माइनस, अब इस b का ए क्यू क्या है 70 है माइनस 70 और एस पी कितना है 15 रुपये इंटू 15 पक्का। बात समझ में आ रही है, और ये दोनों का एडिशन कितना है मेरे को 45 एडवर्स दिया हुआ है, तो पहले ये सॉल्व करने का ट्राई करते हैं अपन। तो इक्वल्स टू ये कितना होगा, और इक्वल्स टू ये कितना होगा, जल्दी सोच के बताइए।
मेरे को तो ये माइनस है, ये पहले 12 को इससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, 12 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा और उसको उससे मल्टीप्लाई करूँगा। ट्राई करिए सॉल्व करने का, देखो समझ में आ रहा है क्या। वाई प्लस टू प्लस 35 माइनस वाई, सर नीचे वाला अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो पहले ये दोनों हो जाएगा, तो पहले नीचे वाला कर लेते हैं आपके लिए, ईजी करूँगा। ये हो गया, ये हुआ पक्का, तो कितना आ जाएगा, सर ऊपर वाले में ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, एक सेकेंड को थोड़ा सोचने दो। चलो वापस से बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा वापस से करते हैं, मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 पे ही मैं वापस से आया हूँ, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी है सारी की सारी मिसिंग। तो आपके पास में जो गिवन डेटा है, सबसे पहले मैं वो लिख लो, जो भी आपके पास में क्या है गिवन डेटा वो लिख लो, ठीक है। तो गिवन डेटा आपके पास में क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखो मटेरियल कौन कौन सा है, मटेरियल कौन कौन सा है, ए और बी है। एस क्यू कौन कौन से हैं, ये 50 है, इसका नहीं पता। एस पी 12 और 15 है पक्का, यहाँ पे मैं ऐसा कर देता। तो मेरे को क्या निकालना है, एस क्यू इंटू एस पी निकालना रहेगा। अब ए क्यू की बारी, तो ए क्यू में मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में ये है 70, मेरे पास में ए पी है 15 और 20, और मेरे को निकालना क्या है का ए क्यू इंटू ए पी, क्योंकि इससे मेरी काफ़ी सारी चीज़ें निकल जाती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जब भी ऐसे क्वेश्चन रहे आप देखो कौन से वेरिएंस दिए हुए, कौन से वेरिएंस दिया आपको यूसेज वेरिएंस, तो वैल्यू उसमें पुट कर दो। क्यों ऐसा वैल्यू पुट करने बोला बेटा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो यूसेज वेरिएंस ऑफ बी, ऑफ क्या बी, क्या फॉर्मूला है बेटा उसका, जब यूसेज की बात हो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू क्या करते हैं आप लोग, स्टैंडर्ड प्राइस करते हो। सर को तो क्या, अब यहाँ पे बी का, बी वाले कॉलम में आ जाओ, ये बी का कॉलम है, बी का क्या एस क्यू है क्या मेरे पास में, नहीं है, तो एस क्यू को एस क्यू ही लिखो। माइनस ए क्यू क्यू है क्या, बी का ए क्यू है क्या मेरे पास में, सॉरी यहाँ पे ना मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, ये 15 और ये 20, बी का क्या ए क्यू क्या, हाँ सर 70 का है, और सर बी का सेलिंग स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 15 रुपये का पक्का, समझाए आप लोगों को। तो ये कैसे हो जाएगा, और सर वेरिएंस कितना दिया है, 300 एडवर्स दिया हुआ है, 300 एडवर्स मतलब कि नेगेटिव। मैं इस बार लेके आ जाता हूँ, तो माइनस 300 डिवाइड बाई 50 इक्वल्स टू एस क्यू माइनस 70, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 20 इक्वल्स टू एस क्यू माइनस 70 का जाएगा तो कितना आ जाएगा 50। एस क्यू कैसे निकला पक्का, सही है, ठीक है, ये आ गया। सर दूसरी चीज़, दूसरा वेरिएंस कौन सा दिया आपको, मटेरियल मिक्स वेरिएंस दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला लिखो, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। आपको जैसे मटेरियल मिक्स समझ में आता है तो आपको समझ आता है कि मल्टीप्लाई करूँगा एस पी से करूँगा, मेरे को दोनों जगह कौन सी क्वांटिटी चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी ही चाहिए, और यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी ही चाहिए, लेकिन ये एक्चुअल क्वांटिटी कौन से रेशियो में चाहिए, स्टैंडर्ड के रेशियो में, और ये किसके रेशियो में चाहिए, एक्चुअल रेशो, बात समझी। सर इसी को मैं प्यार से क्या बोलता, आर एस ए क्यू बोलता, अब तो आप लोग होशियार हो चुके हो। सब आर एस क्यू निकालना पड़ेगा, तो आर एस क्यू मतलब टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। की बात समय को बताया, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेशो क्या होगा, ये मैंने 50 निकाल लिया बेटा, 50 यानी कि 1:1 का स्टैंडर्ड रेशो है। सर पर मेरे को एक्चुअल क्वांटिटी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं पता मेरे को, तो इसको मैं एक्स मान लूँ क्या एक बार के लिए, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ पक्का। तो देयरफॉर क्वांटिटी को जाएंगे एक्स प्लस
70 की, टोटल क्वांटिटी की तो जाएगी x प्लस 70, तो देखो आर एस क्यू निकालूंगा मैं x प्लस 70 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 बाय 2 से। सर 1 बाय 2 से क्यों? सर रेशियो देखो 50 टू 50 है, मतलब कि 1 इज टू 1, तो 1 इज टू 1 को रेशियो में कैसे बदलते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा मेरा x डिवाइड बाय 2 प्लस 35, पक्का 35 है बेटा ये 35, समझाइए। वैसे ही आर एस क्यू ऑफ बी एक्स प्लस 70, इसको भी 1, तो ये कितना हो जाएगा x डिवाइड 2 प्लस 35, ये समझ में आया। सर तो फॉर्मूले लगाते हैं, मैं कहता हूँ आर एस क्यू कितना है a का, x डिवाइड बाय 2 माइनस AQ कितना है, सर किसका AQ लिखूंगा मैं, A का आंसर निकाल रहा हूँ मैं, A का AQ बताओ मेरे को कितना है, सर A का AQ कितना है x है, तो माइनस किससे करूँगा x से करूँगा, ये बात समझ में, और इंटू सर A का स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 12 रुपये, तो इंटू किससे करूँगा 12 रुपये से, समझ में आया। सर प्लस B का भी प्लस होगा, B का कितना है ये भी यही है पक्का, माइनस सर एक्चुअल क्वांटिटी कितनी बी की 70 है, देखो 70, तो 70 स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 15 रुपये, ये 15 रुपये दिया तो ये 15 रुपये आ गया, और सर ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो कितना है मेरे को दिया कि इसका एडवर्स रेशियो है कितना, यानी माइनस 40 माइनस के 45, समझ में आया इतना। सर तो ए इक्वल्स टू माइनस आधा एक्स, वन कितना होगा हाफ एक्स, यानी कि माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा, हाफ एक्स बचेगा पक्का, प्लस ये समझ में प्लस 35 इंटू 12, प्लस करता मैं इसमें नीचे, ये प्लस 35 और माइनस 35, यानी क्या एक्स बाई हो जाएगा इंटू 15, और ये पूरा ब्रैकेट इक्वल्स टू क्या होगा 40, इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 45, समझ में आ रहा है पक्का। तो वापस से एक और मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, ये माइनस एक्स डिवाइड बाय सिक्स, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यानी कि हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, ये माइनस 6x प्लस 12 इंटू 35 कितना होगा 525, तो प्लस 525 हो जाएगा 420, मैं नीचे वाला कैलकुलेट कर लिया, 420 हो जाएगा पक्का, ये प्लस ये जो प्लस है प्लस 15 इंटू एक्स बाई टू, तो क्या हो जाएगा 7.5x प्लस 7.5x, और ये माइनस हो जाएगा माइनस 525, और ये सारा इक्वल्स हो गया माइनस 45, माइनस 45 पक्का। तो इक्वल्स करता हूँ ये और ये क्या हो जाएगा, ये 1.6 माइनस ये और ये कितना हो जाएगा 105, वापस से करता हूँ 1.5x माइनस 105 इक्वल्स टू कितना है माइनस 45, तो इसको इधर भेजता हूँ तो 1.5x देखो लग गया इधर माइनस 45, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 1.5, यानी x इक्वल्स टू 40 kg, और x को माना था मैंने, ये मैंने इसको x माना था, ये कितना हो जाएगा मेरा 40 हो जाएगा, ये आ गया मेरा 40 पक्का। मेरे को सारी डिटेल पता चल गई, सारा सब कुछ पता चल गया, अब मैं हर चीज़ आराम आराम से निकाल सकता, मैंने एक्चुअल इनपुट निकाल दिया, मैंने स्टैंडर्ड इनपुट निकाल दिया, मटेरियल प्राइस वैलेंस आपको निकालना है और कॉस्ट वैलेंस आपको निकालना है, ये अब आपके लिए होमवर्क, समझा आपको कैसे करना है, बाकी चीज़ें निकालना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ फॉर्मूले निकाल के हो जाएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो था मैंने आपको निकाल के दे दिया, कॉपी करेंगे इसको जल्दी से, कॉपी करें इसे, समझ में आया, चलिए गुड। इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे, आगे के सारे क्वेश्चन होमवर्क है इसके, यानी कि जो जो चीज़ें अब वो जो फॉर्मूला समझ में आ गया, अब कब तो सिर्फ फॉर्मूले लगा के आंसर निकालने हैं बच्चों वाले। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझना मेरे साथ में आराम से। क्वेश्चन नंबर 24,
4। तो क्या ये आउटपुट है आपका 6500 यूनिट्स का, वेजेस पेड था आपका कितना 48,750 आवर्स, तो आपका वो मिल जाएगा रेट। मटेरियल 34,000 है फॉर 4,000, तो आपको इसका भी रेट मिल जाएगा, कुछ 8.5 आना चाहिए। वराइंसेस दिए आपको, लेबर रेट वराइंस है 875 एडवर्स, इफिशियंसी वराइंस भी दिया हुआ है, आइडल टाइम वराइंस भी दिया हुआ है, और मटेरियल के भी सारे वराइंस दिए हुए। आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड प्राइम कॉस्ट पर यूनिट, इंपॉर्टेंट है आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड प्राइम कॉस्ट। अब आपको पता है प्राइम कॉस्ट तो क्या होती है, किसको नहीं पता प्राइम कॉस्ट क्या होती है, नहीं पता तो बताइए मेरे को, मैं बताऊंगा, पर मेरे को पता है कि आपको इतना तो पता है पक्का। तो सोचिए कैसे होगा, पहले डिटेल लिखिए अपने पास में, वीडियो पॉज करिए, मैं थोड़ा आपके साथ में टाइम पास करता हूँ आगे जाने का, आप सोच के बताइए मेरे को कैसे क्या निकालोगे, ठीक है। चलो शुरू करता हूँ मैं, वैसे आप लोग सोचते रहो। सबसे पहले लिखो आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 6500 यूनिट्स, उसके बाद में AH इंटू AR जो आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 48,750, AH आपको दिया है कितना 16,250 आर्स, तो AR कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लो ना जल्दी से, 3 रुपीज़ पर आर पक्का। वैसे आपको AQ इंटू AP दिया हुआ है कितना 34,000, तो AQ दिया हुआ है कितना 4,000 kg, तो आपको AP आपका मिल जाएगा कितना 8.5 पर kg, इतना ठीक है। ठीक है आगे चलते हैं, आपको मेरे ख्याल से मटेरियल के दोनों वराइंसेस दिए हुए हैं, मटेरियल कॉस्ट वराइंस भी दिया हुआ है मेरे ख्याल से, और यूसेज भी दिया है, तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा, मटेरियल कॉस्ट वराइंस, ये क्या प्राइस प्लस यूसेज होता है, सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस यूसेज, प्राइस कितना दिया है 1850 फेवरेबल, और यूसेज कितना दिया है 1200 फेवरेबल, सर तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3050 फेवरेबल, इतना ठीक है पक्का। तो सर अब मेरे को बताइए, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे SQ वगैरह नहीं है, ठीक है, तो मेरे को बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल आपका मटेरियल कॉस्ट वाइज का फॉर्मूला क्या है आपका, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3050। अब मैं चाहता हूँ सही, स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला अभी तक के मैंने आपको बताते चला कि SQ इंटू SP होता है पक्का। सर इसको मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ, सर वो तरीका कौन सा है, सर वो तरीका इस तरीके से होता है कि अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना है मेरे को, अगर मैं प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ, मैं कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ, प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ सर, तो मैं इसको इस तरीके से फॉर्मूला ले सकता हूँ, एक्चुअल प्रोडक्शन जो मेरा क्या हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, तो मेरे को क्या मिल जाएगा इससे, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, मतलब कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, और अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं एक्चुअल कॉस्ट, तो भी मेरे को सेम आंसर मिलेगा। सर कैसे, तो बात समझना, ये SQ इनटू SP से आप निकालते हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ही है बेटा, मैंने आपको समझाया है ये क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सर मेरे को तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, कॉस्ट पर यूनिट कौन सी है, स्टैंडर्ड की है, और यूनिट्स किसकी है, प्रोडक्शन किसका है, एक्चुअल है, तो भी मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में भी जो मेरे को वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन को मिलने वाला है। बात समझ में आया, तो मेरे को बताओ ये कितना हो जाएगा 6500 एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू, इसको मैं एक्स मान लेता थोड़ी देख ले, माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना दिया मेरे को ऊपर 34,000 दिया हुआ है, देखो 34,000 ऊपर क्वेश्चन में को दिया हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा माइनस
34,000, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 6500x, मैं इसको 34 को उधर लेके चला जाता हूँ, 3050 प्लस 34,000 तो कितना हो जाएगा 6500 टू 37,000, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3750 डिवाइडेड बाय 6500, यानी 37,050 डिवाइडेड बाय 6500। अगर इसको आप निकालोगे तो आपका x आ जाएगा 5.7 रुपीस, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल कितना आ जाएगा आपका 5.7 पर यूनिट। पक्का बात समझ में आई? पक्का। अब आगे लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, आप मैं इसमें सब कुछ ऐड करते थे, रेट प्लस आइडल टाइम प्लस इफिशियंसी मिल जाएगा, तो सब कुछ ऐड करूंगा तो कितना होगा 1875 एडवर्स है ये, आइडल तो हमेशा रहता है एडवर्स ही रहता है, इफिशियंसी आपको कितना दिया है 1275 फेवरेबल, तो इसको अगर आप करोगे तो यार आपका 1300 एडवर्स कितना आ रहा है, 1300 एडवर्स। पक्का। तो जैसा ऊपर का लॉजिक मैंने आपको बताया वैसे नीचे वाले फॉर्मूले भी वही बनेगा, लेबर कॉस्ट वैरियंस इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट, क्या पर यूनिट माइनस एक्चुअल कॉस्ट जी। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है 600, इसको मैं वाई मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, सर एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी मेरे को यहाँ पे 4870 में देखो लगा हुआ है, और लेबर कॉस्ट वाले सब गया आपने उसको एक बार देता, तो देयरफॉर 1300 600y माइनस 4850, 750 माइनस 1300 600y, ठीक है थोड़ा शॉर्टकट मार लिया, तो कितना हो जाएगा ये 48750 माइनस 1300 डिवाइडेड बाय 600 कितना आ रहा है आपका 7, रुको रुको यानी गड़बड़ की क्या, ये 65, ओ सॉरी 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 ये 600 ले रहा हूँ मैं प्रोडक्शन, ये 6500 है 6500 6500 वाई डिवाइड भी किससे होगा 6500, तब करते 48750 माइनस 1300 डिवाइडेड बाय 6500 क्या रहा होगा आपका 5.5 5.5, बात समझी नहीं 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 रुको सेवन पॉइंट थ्री सॉरी कैलकुलेशन एरर 7.3 समझा ये आपको पक्का, ये 7.3 आ गया, तो देयरफॉर प्राइम कॉस्ट इक्वल्स टू स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू 5.7 प्लस स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू 7.3, तो कितना हो जाएगा ये 13 रुपीज़ पर यूनिट समझा। ये क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं था, सिर्फ एक एक फॉर्मूला आपको सिखाना था, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया था क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आपको समझना चाहिए, क्योंकि दोनों लगभग सेम ही रहते हैं, आप वो करो या फिर वो करो, या फिर फ़र्क किसका आता है, फ़र्क मैं आपको समझाता हूँ फॉर सेम, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा पर आप समझना मेरी, और मेरे को समझाना ज़रूरी है, मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन है फॉर से 1000 यूनिट्स का, कितना यूनिट है 1000 यूनिट्स का, मेरे को 1 यूनिट पे 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, 2 kg ऑफ क्या लगता है रॉ मटेरियल लगता है, मेरा स्टैंडर्ड प्राइस है फॉर से 3 रुपीज़ पर kg। पक्का। तो सर अगर मैं नॉर्मल तरीके से करूँ या फिर उल्टे तरीके से करूँ, मैं कैसे आंसर फर्क करेगा सर, अगर मेरे को उस तरीके से करना है जो अभी मैंने करके बताया आपको, तब क्या करोगे
एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 लोगे, अब इंटू सर इंटू किससे करोगे, 3 रुपये से करोगे कि 6 रुपये से करोगे? सर यहाँ पे आप इंटू 6 रुपये से करोगे। सर क्यों? क्योंकि अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल, यानी कि एक यूनिट में कितना मटेरियल का कॉस्ट जाएगा वो लेना है। मतलब कि बेटा यहाँ पे एक यूनिट पे कितना मटेरियल जाता है, 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल जाता है, तो कितने रुपए लगेंगे, 3 रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे, 3 रुपए पर केजी लगेगा। समझ में आ रहा है बेटा? आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ ये लिखने के बाद में, अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं लेबर और ओवरहेड के कॉस्ट वेरिएंस के टोटल निकालने के, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वो ये वाले फॉर्मूले से वापस से क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि आप लोगों ने सही करा है कि गलत किया, तो आपके आंसर भी पूरे के पूरे सही आएंगे और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको सही करने के लिए। पक्का बात समझ में? तो 24 को आप कॉपी करें पहले। क्वेश्चन नंबर 29 बेटा आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 29 वो मैं नहीं करा रहा हूँ जान मुझ के, आप लोगों को करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोगों को क्या देगा, होमवर्क रहेगा। पक्का? अब कुछ क्वेश्चन कट करवाना है मुझे। क्यों करवाना है सर? लॉजिक सर, क्योंकि आपके जो चैप्टर में से अपने पास में टोटल वेरिएंस 2 है, एक्चुअली 3 है, एक तो कॉस्ट का वेरिएंस है, एक सेल का वेरिएंस होता है और एक प्रॉफिट का वेरिएंस होता है। तो बेटा आपके कोर्स में सिर्फ कॉस्ट का वेरिएंस है, आपके जो मॉड्यूल में दिया सिर्फ कॉस्ट के वेरिएंस दिए हुए, मतलब कि सेल्स और प्रॉफिट के वेरिएंस आपको कोर्स में नहीं है। इसलिए अगर किसी को पढ़ना होगा तो मैं समझा दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है ये, इसमें कोई भी फर्क पड़ता नहीं, हार्डली 10 मिनट में खत्म हो जाता, तो पर इसके क्वेश्चन अपन करेंगे नहीं, ठीक है? आप लोगों को पढ़ना है तो अलग से आप लोगों को मेरे को मैसेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको बता देता कौन कौन से क्वेश्चन आपके कट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22 ये एग्जाम में कभी भी पूछने वाले नहीं है आप लोगों से, ये गारंटी है, क्योंकि आपके मॉड्यूल में आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। 18, 19, 20, 21, 22, 22 देन 33 सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन 33, क्योंकि एक्चुअली वो सिंगल क्वेश्चन नहीं, वो सब पूरा बिग क्वेश्चन है जिसमें सारे वेरिएंस निकालने पड़ते हैं और रिकंसिलेशन बनना है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको कोर्स में नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको कोर्स में नहीं है। पक्का? अपन अगले लेक्चर में अब सीखेंगे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस किस तरीके से निकाले जाते हैं और एक्सेट्रा चीज़ें कैसी होती है। आपके ऑलमोस्ट लेबर वेरिएंस और मटेरियल वेरिएंस अपन यहाँ पे ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है? अब जो क्वेश्चन आएंगे सिर्फ उसमें ही करना है। अब अपने 2 वेरिएंस बचे हुए हैं, एक है वेरिएबल वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है? चेक, थैंक यू।